नोकिया ने लॉन्च कर दिया अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है नोकिया 1.4। तो गाइज यहाँ पर ये सक्सेसर होने वाला है नोकिया 1.3 का, जो कि अर्लियर लॉन्च में हमको देखने को मिला था। इट मीन कि लास्ट ईयर जो फोन लॉन्च हुआ था नोकिया 1.3, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था नोकिया की तरफ से। तो यही उसी की सीरीज में दूसरा फोन यहाँ पर लॉन्च किया है नोकिया 1.4, जो कि एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया 1.4 के बारे में, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस चैनल पर नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बनाई जाती है लेटेस्ट मोबाइल अपडेट एंड टेक्नोलॉजी वीडियोज। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं नोकिया 1.4 के बारे में। तो गाइस यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है 6.51 इंचेस की HD+ IPS डिस्प्ले, साथ में आपको देखने को मिलेगा 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकम स्नैपड्रैगन की तरफ से 215 चिपसेट विद एड्रिनो GPU 308 के साथ। बात करें नोकिया 1.4 के वेरिएंट्स के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1GB, 2GB एंड 3GB प्लस 16GB, 32GB एंड 64GB मेमोरी के साथ इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 120GB वाया माइक्रो SD कार्ड। बात करें रियर कैमरा की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डुअल कैमरा इन सर्किल मॉडल। तो गाइस यहाँ पे आपको सर्कुलर मॉडल देखने को मिल जाएगा विद LED फ्लैश। तो यहाँ पर आपका जो मेन कैमरा होने वाला है वो है 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जो कि आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर टॉप सेंटर के अंदर। तो इसलिए बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे नोकिया 1.4 में आपको देखने को मिल जाएगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करने वाली है 5W की चार्जिंग। बात करें सॉफ्टवेयर की तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है एंड्रॉयड 10, जो कि अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 11 में अंडर एंड्रॉयड गो एडिशन में। और यहाँ पे इस फोन में फीचर्ड है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और साथ ही साथ आपको इस फोन में देखने को मिलेगा डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंस बटन, आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। बात करूं मैं कनेक्टिविटी ऑप्शन की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS, FM रेडियो, 3.5mm जैक एंड माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं डायमेंशन की, तो यहाँ पे होने वाली 166.42x76.72x8.7 mm। बात करें वेट की तो 178 ग्राम इस फोन का वेट होने वाला है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग पे, कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक बजट स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर 1GB प्लस 16GB, तो गाइस यहाँ पे इसकी प्राइस होने वाली है 99 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 8600 अराउंड। तो गाइस यहाँ पर ये जो फिगर है वो एक बजट फोन है, मतलब अंडर 10,000 के बजट में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इसमें कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे वो है चारकोल, डस्क और ब्लू कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये था नोकिया 1.4। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और आप क्या ये फ़ोन परचेज करना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो यार क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।